सारे भाई मैं अमरीत राम भाई, मेरा नाम विक्रम। आपका अपने यूट्यूब चैनल जय हरियाणा टीवी पर आप सभी का स्वागत है भाई। आज मैं आपके बीच में खबर लेके आऊंगा। खबर क्या है तो आप इस वीडियो में रहे, वीडियो को लास्ट तक देखना है भाई। आप सभी को पता है कि अभी तक विश्व में महामारी बीमारी चली है, कोरोना वायरस जैसी। तो और इस बीमारी से जो बहुत ही गहरी हानि पहुंचती है, किसी को ये बीमारी हो जाती है। अभी तक भारत में 4,000 के करीब जो कोरोना के पॉजिटिव व्यक्ति मिल चुके हैं। और यदि हरियाणा हरियाणा में बात की जाए तो 88 और 90 के बीच में जो अभी तक जो कोरोना की संख्या 88 और 90 के करीब है भाई। ये बहुत ही दुखभरी की बात है कि अभी तक जींद जिले में कोरोना का कोई भी पॉजिटिव व्यक्ति नहीं मिला था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब जींद जिले के निडानी गांव से मुस्लिम परिवार से एक व्यक्ति है जो कोरोना का पॉजिटिव मिल चुका है। और अभी तक जो जींद जिले से जो पॉजिटिव व्यक्ति नहीं मिला था, लेकिन अब मिल चुका है। और अब आपको सतर्क रहना होगा। और जो ये मुस्लिम परिवार से बताया गया है, जो मुस्लिम परिवार है उसको अपनी हिरासत में ले लिया गया है, ताकि जो ये बीमारी उसके परिवार में से एक व्यक्ति को हुई थी, ताकि उनका भी चेकअप किया जाएगा, ये बीमारी उनको भी ना हो। चेकअप के बाद पता चलेगा कि इनको ये बीमारी है कि नहीं है। और अभी तक जो जींद डिस्ट्रिक्ट में ये बीमारी नहीं आई थी, तो ये बहुत ही दुखभरी की बात है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने घरों से बाहर ना निकले, घरों में रहे। यदि आपको जरूरी काम है तो घरों से निकले। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोग हैं पता चल सके कि जींद जिले में भी कोरोना जैसी एक पॉजिटिव व्यक्ति मिल गया है। इससे वह भी जागरूक होंगे और वह घरों से बाहर ना निकलेंगे। मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप अपने घरों से बाहर निकले। यदि आप घर पे हैं तो हाथों को लगभग ज़्यादातर अपने हाथों को धोएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, अपने बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दें और खुद भी ना निकले। यदि आपको ज़रूरी काम है तो घर से बाहर निकलें। तो ये एक बहुत दुखभरी की बात है। जींद जिले में एक व्यक्ति पॉजिटिव मिल चुका है और पुलिस ने अपनी उनको हिरासत में ले लिया गया, उनके परिवार को। और वो मुस्लिम परिवार से जो बताए गए थे। तो आपकी वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और वीडियो में कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आपकी वीडियो कैसी लगी? तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।